हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिम बस पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बस की यात्रा करवाते हैं। HRTC तो हमारी फेवरेट है ही, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बस की नहीं ट्रेन की यात्रा पर लेकर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइंस का विस्तार ज़्यादा तो नहीं है, मगर जो दो चार रेल लाइंस हिमाचल प्रदेश में हैं उनमें से कालका शिमला और पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगेज ट्रेन्स काफ़ी फेमस हैं। तो आज हम आपको पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगेज ट्रेन लाइन पर बैजनाथ पपरोला तक लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पठानकोट से बैजनाथ का सफ़र। पठानकोट को कांगड़ा घाटी व चंबा आने के लिए बेस स्टेशन माना जाता है, क्योंकि पठानकोट में ब्रॉडगेज रेल लाइन का स्टेशन है और देश के कोने कोने से यहां तक ट्रेन्स आती हैं। पठानकोट से कांगड़ा घाटी में जाने के लिए रोड कनेक्टिविटी तो है ही। HRTC का पठानकोट बस डिपो भी यहां स्टेशन के पास ही है, लेकिन इस नैरो गेज ट्रेन में जाने का भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये ट्रेन पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलती है। हालांकि पठानकोट में पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन अलग से है और जम्मू लाइन पर जाने वाली अधिकतर ट्रेन्स वहीं से निकल जाती हैं। तो अगर आपको इस नैरो गेज ट्रेन से कांगड़ा घाटी की ओर आना है तो इस पठानकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँचना होगा। पठानकोट बस स्टैंड से यहाँ पैदल भी 10 मिनट का ही रास्ता है। यहाँ से कांगड़ा घाटी की ओर दिन में 7 ट्रेन्स जाती हैं, जिनमें से 2 जोगिंदरनगर तक, 4 बैजनाथ पपरोला तक और 1 ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन तक। जिनमें से सुबह 9:15 बजे बैजनाथ पपरोला जाने वाली ट्रेन एकमात्र एक्सप्रेस ट्रेन है, तो मैं भी उसी में जाऊँगा। इस ट्रेन में एडवांस बुकिंग नहीं होती और आपको यहां टिकट काउंटर पर ही करंट टिकट्स लेने होंगे। और इस ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच भी लगाया गया है और उसकी बुकिंग आप यहां रिजर्वेशन सेंटर से कर सकते हैं। पठानकोट से जोगिंदरनगर तक इस रेल लाइन पर 27 स्टेशन्स आते हैं, लेकिन मेरे वाली एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पठानकोट से बैजनाथ के बीच सिर्फ 7 स्टेशन्स पर ही रुकेगी। सुबह 8 बजे मैंने यहाँ पहुँचकर टिकट ले ली है और ये स्टेशन में एंटर करते ही ब्रॉडगेज रेल लाइन वाला प्लेटफॉर्म है। पठानकोट से बैजनाथ का एक्सप्रेस ट्रेन का फेयर 65 रुपये है, जबकि पैसेंजर ट्रेन का मात्र 35 रुपये। इस फुटओवर ब्रिज को पार करके इस तरफ आना पड़ता है और यहाँ है अपनी कांगड़ा वैली ट्रेन का प्लेटफॉर्म। अभी सिर्फ ट्रेन के डिब्बे यहाँ पर खड़े हैं और पैसेंजर्स उसमें बैठ भी गए हैं। अभी ट्रेन में इंजन नहीं जुड़ा है। इस रेल लाइन की चौड़ाई मात्र 2 फीट 6 इंच है। फिर जल्दी ही रेल इंजन आ गया, जो कि हमारी इस ट्रेन को खींच कर लेकर जाएगा। अभी ये ट्रेन के आगे जाकर जुड़ेगा। और इस झंडी के इशारे से ही ड्राइवर ये समझ जाता है कि और कितना पीछे जाना है।
तो 8:30 हो गए हैं और हमारी ट्रेन अब प्रस्थान के लिए तैयार है। ये इस ट्रेन का जनरल कोच है और ये फुल हो गया है। मुझे भी वैसे जनरल कोच की ही टिकट मिली है, क्योंकि रिजर्व्ड कोच की टिकट सुबह 8 बजे तक ही मिलती हैं, लेकिन मैंने टीटी से बात करके रिजर्व्ड कोच में सीट ले ली। इस ट्रेन में 5 कोचेस हैं, जिनमें से 3 जनरल कोच और 2 रिजर्व चेयर कार। ये एक और ट्रेन कांगड़ा घाटी से यहाँ पर पहुँची है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, तो दूसरी ट्रेन के यात्रियों को इस तरफ ही उतरना पड़ता है। अब हमारी ट्रेन का चलने का समय हो गया है और ये है मेरा कोच। ठीक 8:45 पर ट्रेन यहाँ से चल पड़ी। पठानकोट से चलकर पहला स्टेशन डलहौजी रोड आता है, लेकिन हमारी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। इस लाइन पर पठानकोट और डलहौजी रोड 2 ही स्टेशन्स पंजाब में हैं। अगले बाकी सभी स्टेशन्स हिमाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद आ गई पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा चक्की खड्ड। इस खड्ड पर बने पुल पर ट्रेन एकदम स्लो हो गई। सुरक्षा कारणों से यहां ट्रेन की स्पीड तेज नहीं रखी जाती। इसके साथ ही ये रोड ब्रिज भी है। कुछ साल पहले चक्की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी और पुराना रोड ब्रिज पूरी तरह टूट गया था। उसके बाद ये नया पुल बनाया गया। पुराने पुल के धराशायी पिल्लर भी दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे इस पुल को पार करके हम पहुंच गए हिमाचल प्रदेश में और ट्रेन ने अब फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आइए अब जान लेते हैं इस ट्रेन के इतिहास के बारे में। 1912 और 1914 में तत्कालीन पंजाब के कांगड़ा और कुल्लू को पठानकोट से रेल द्वारा जोड़ने की योजना अंग्रेज शासकों द्वारा बनाई गई, मगर बात सिरे नहीं चढ़ पाई। फिर जब जोगिंदरनगर के पास शानन उहल हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की योजना बनी, तब 1926 में इस रेल लाइन को जोगिंदरनगर तक बिछाने का काम शुरू हुआ। 2 साल बाद 1928 में पठानकोट से नगरोटा के बीच ट्रेन दौड़ना शुरू हो गई थी। फिर उसके कुछ साल बाद ये ट्रेन जोगिंदरनगर तक पहुंच गई। विकिपीडिया से ली गई इस फोटो में आप इस ट्रेन का 1945 का टाइम टेबल देख सकते हैं। अभी इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेल द्वारा किया जाता है और ये ट्रेन फिरोजपुर मंडल के अधीन आती है। इस ट्रेन का ट्रैक 2.6 फीट चौड़ा है और पठानकोट से जोगिंदरनगर तक इसकी कुल लंबाई 164 किलोमीटर है। ये भारत में चलने वाली सबसे लंबी दूरी की नैरो गेज ट्रेन है, जबकि 2.6 फीट चौड़ी रेल लाइन के साथ पूरे विश्व में इससे लंबी दूरी की नैरो गेज ट्रेन और कोई नहीं है।
जैसा कि हमने पहले बताया कि इस रेलखंड पर 7 ट्रेन्स अप और 7 डाउन ट्रेन्स चलती हैं। इस ट्रेन में 5 से 8 कोचेस होते हैं और अब कुछ नए रेल इंजन भी कुछ साल पहले इसमें शामिल किए गए हैं। इसके कोचेस की बात करें तो सीटिंग बर्थ के साथ साथ कुछ चेयर कार्स भी हैं। हर एक कोच में 2 दरवाजे होते हैं जिनमें से एक लेफ्ट तो दूसरा राइट की ओर खुलता है। ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा भी है। इस ट्रेन में जो विस्ताडोम कोच लगाया गया है उसमें ये रूफ टॉप ग्लास है। कोच के अंदर कांगड़ा घाटी के कुछ चित्र लगाए गए हैं और साथ में कोच की दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई हुई है। ये एयर कंडीशन कोच तो नहीं है, इसकी रिजर्वेशन आप यात्रा से 1 दिन पहले पठानकोट रेलवे स्टेशन पर करवा सकते हैं। नूरपुर रोड रेलवे स्टेशन पर भी हमारी गाड़ी नहीं रुकी थी और यहाँ तलाड़ा स्टेशन पर भी नहीं रुकी। यहाँ पर पठानकोट की तरफ जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन रुकी हुई है। हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप जमवावाला शहर में ही होगा। यहाँ ये देहरा ज्वाली जसूर रोड भी साथ साथ में ही है और इसके बाद हम पहुँच गए जमवावाला शहर ज्वाली। पठानकोट से चलकर ये हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप है। यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन से कई लोग यहाँ उतरने वाले भी होंगे। ज्वाली का पहला नाम जमवावाला शहर होता था क्योंकि यहाँ पर जौ काफ़ी होते थे। अब इसका नाम ज्वाली हो गया है पर इंडियन रेलवेज के रिकॉर्ड में अभी ये जमवावाला शहर ही है। पठानकोट से 9:45 बजे चलकर हम 10:30 बजे यहाँ ज्वाली पहुँचे हैं और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अब आगे चल पड़े। ये खड्ड में आगे जाकर महाराणा प्रताप सागर यानी पौंग डैम की झील भी है। मॉनसून के बाद जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ से झील देखी जा सकती है। और ये सामने उस पार है नगरोटा सूरिया। हमारी ट्रेन का यहाँ पर भी स्टॉप है। पठानकोट के बाद ये इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप होगा। ग्यारह बजकर 10 मिनट पर ट्रेन पहुंच गई नगरोटा सूरिया। यहां भी ट्रेन का कोई लंबा हाल्ट नहीं था, जल्दी ही ट्रेन आगे चल पड़ी।
ये जो इस तरफ आगे खाली मैदान जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सारा पोंग डैम झील का एरिया है। अभी पानी का स्तर काफ़ी नीचे है तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब मानसून के बाद ये जल्दी भर जाएगा और पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। और ये पुराने पिल्लर देखकर पता चल रहा है कि ये रेल ट्रैक का पुराना पुल होगा। इसके बाद जल्दी ही हम पहुंच गए गुलेर और ये हमारी ट्रेन का तीसरा स्टॉप है। और यहाँ पर भी एक और पैसेंजर ट्रेन की क्रॉसिंग है। यहाँ के लोग तो इस ट्रेन में बिल्कुल नहीं डरते और ऐसे इस तरह बैठकर सफ़र करना इनका रोज़ का काम है। ये लुनसु रेलवे हॉल्ट गर्मियों में इसीलिए पॉपुलर रहता है क्योंकि लोग ट्रेन में बैठकर यहाँ तक आते हैं और नीचे बहती बनेर खड्ड में नहाने जाते हैं, पर हमारी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। इसके बाद हम पहुंच गए ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर। ये भी इस लाइन का एक मेजर स्टेशन है। काफी लोग यहां ट्रेन से उतर गए। इस लाइन पर स्टेशंस के नाम उसी ज़माने से हैं जब ये रेल लाइन बनी थी। डलहौजी रोड यानी जहाँ से डलहौजी को रोड जाता है। नूरपुर रोड स्टेशन वैसे जसूर में है लेकिन उसका नाम नूरपुर रोड है, मतलब जहाँ से नूरपुर के लिए रोड जाता है। ज्वाली का नाम अभी तक जमा वाला शहर है और ये ज्वालामुखी रोड स्टेशन यानी जहाँ से ज्वाला जी के लिए रोड जाता है। ये सब उस टाइम के मशहूर कस्बे थे। अभी आने वाले कुछ 4-5 साल में ये रेल लाइन 100 साल की हो जाएगी। इसके बाद आता है ये बाथू रेलवे ब्रिज। ये आर्क शेप्ड पुल है और ये है भी काफ़ी ऊंचा। थोड़ा आगे जाकर फिर इस ट्रैक की ये पहली टनल आती है, हालांकि ये टनल काफ़ी छोटी सी है। और थोड़ा आगे जाने पर ये दूसरी टनल आती है।
ये टनल थोड़ी लंबी है। इस ट्रैक पर बस ये दो ही टनल्स हैं। अगर हम कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करें तो उस 90 किलोमीटर के ट्रैक पर 102 टनल्स हैं। अब हम पहुंच रहे हैं कांगड़ा। यहाँ ये रेलवे पुल के नीचे से NH 503 निकलता है और ये सामने है पुराना कांगड़ा। साढ़े 12 बजे हम पहुंच गए कांगड़ा रेलवे स्टेशन। पठानकोट से यहाँ तक हमें करीब 4 घंटे लग गए। और यहाँ कांगड़ा में हमारी ट्रेन का एक लंबा ब्रेक है। यहाँ एक ट्रेन की क्रॉसिंग होनी है तो उसके इंतज़ार में काफ़ी देर यहाँ रुकना पड़ा। करीब 20-25 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन यहां पहुंची। और ये ट्रेन यहां 2 मिनट रुकने के बाद आगे चली गई। मैंने देखा कि ये ट्रेन्स बहुत जल्दी रफ्तार पकड़ लेती हैं, मतलब चलते ही एकदम तेज़ हो जाती हैं। फिर हमारी ट्रेन भी 1 बजे यहाँ से निकल पड़ी। अब हम फिर से बनेर खड्ड के किनारे पहुँच गए हैं और यहाँ भी कई लोग पानी में नहा रहे हैं। फिर कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन के बाद ये दिखाई देता है राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा। ये IGMC शिमला के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर कई जगह जंगलों में आग भी लगी हुई है, पर आगे बारिश का मौसम बनता भी दिख रहा है। अब हम यहाँ पठानकोट मंडी नौनी NH 154 के पास पहुँच गए। इसके बाद जल्दी ही आ गया समलोटी रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन अब आगे नगरोटा बगवा में ही रुकेगी। घने काले बादल छा रहे हैं और लग रहा है कि जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। गर्मी काफ़ी हो रखी है तो अच्छा है जो थोड़ी बारिश हो जाए। नगरोटा पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई और नगरोटा आते ही न्यू प्रेम बस भी दिख गई। और ये आ गया नगरोटा स्टेशन। ये ट्रेन पठानकोट से इस नगरोटा स्टेशन तक साल 1928 में शुरू हो गई थी। करीब 100 साल पहले भी मात्र 2 साल में पठानकोट से यहाँ तक रेल लाइन बिछ गई और ट्रेन्स का संचालन शुरू हुआ।
वरना आज के समय में तो सर्वेज में ही कई कई साल लग जाते हैं। 5 मिनट यहाँ रुकने के बाद ट्रेन आगे चल पड़ी। जल्दी ही हम पहुँच गए प्रौर। ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास का सत्संग भवन है। और इसके बाद आता है प्रौर रेलवे स्टेशन। हालांकि यहां भी हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। आज मौसम ने तो एकदम मज़ा दे दिया। दोपहर जैसे में तो गर्मी भी हो गई थी, मगर अब बारिश ने तो यहां आना सफल कर दिया। अभी ये मॉनसून की स्टार्टिंग है, पर आने वाले दिनों में ये घाटी और भी हरी भरी हो जाएगी। हल्की बारिश की वजह से वो धौलाधार रेंज के खूबसूरत व्यूज़ मिस हो गए। धौलाधार रेंज इस कांगड़ा घाटी का सबसे बड़ा आकर्षण है। साफ मौसम में तो ये पहाड़ मीलों दूर से भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आज तो इतना पास आकर भी नहीं दिखे। इसके बाद सुलह होते हुए दोपहर 2:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंच गई पालमपुर। बारिश लगातार हो रही है और लोग भीगते हुए ट्रेन से उतर रहे हैं। यहाँ पालमपुर हिमाचल स्टेशन पर भी एक ट्रेन की क्रॉसिंग है, तो काफ़ी देर हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी रही। यहाँ सीढ़ियों पर ये कई अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। करीब 15-20 मिनट के बाद ये दूसरी ट्रेन आई। और इसके आते ही हमारी ट्रेन आगे चल पड़ी। और ये बीच बीच में धौलाधार रेंज के दर्शन भी हो गए। साढ़े 3 बजे हमारी ट्रेन पहुंच गई बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन पर। ये इस ट्रेन का टर्मिनेशन पॉइंट है और यहां पर हमारी ट्रेन से सब लोग उतर जाएंगे। पठानकोट से यहां तक हमें करीब 7 घंटे लग गए, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन थी और कुछ ही स्टेशन पर रुकी, वरना जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो तो और ज़्यादा टाइम लेती है। इस रेल लाइन का लास्ट स्टेशन आगे जोगिंदरनगर है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। दिन में केवल 2 ट्रेन ही जोगिंदरनगर तक आती जाती हैं। यहाँ ये बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन से पठानकोट की ओर जाने वाली ट्रेन्स की फेयर लिस्ट और टाइम टेबल लिखा हुआ है। इसके बाद मैं फिर रेलवे स्टेशन से पपरोला बस स्टॉप की ओर गया, क्योंकि मुझे बैजनाथ मंदिर में जाना है। पपरोला बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के पास ही है और 2 मिनट में मैं यहां पहुंच गया। और यहाँ पपरोला से बैजनाथ तक मुझे मिल गया ऑटो। फिर बैजनाथ पहुंचकर मैं सबसे पहले बैजनाथ मंदिर में गया। बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है।
ये मंदिर 8th century में बनाया गया था और इसकी दीवारों पर उकेरे हुए ये चित्र बहुत ही बढ़िया हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। कांगड़ा घाटी रेल में ये सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी इस ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।